आज के एपिसोड में देखिए दुनिया की सबसे खतरनाक नदी अमेज़न नदी और नदी में ना जाने कैसे कैसे खतरनाक जीव नदी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उस नदी में रहते ये 10 जीव जिनकी अमेज़न नदी में चलती है, पूरी अमेज़न नदी उनकी वजह से घातक हो जाती है। इस नदी के कुछ जीव तो बेहद अजीब है जो कहीं और नहीं पाए जाते। ऐसे में किसी इंसान का यहाँ जाना उसके लिए उसका अंतिम समय हो सकता है। आज की वीडियो में देखिए अमेज़न नदी के 10 ऐसे जीव जो घातक है सबके लिए। नंबर 1, कैंडिरो। नाम अजीब है लेकिन एक छोटी सी मछली ना जाने कितने दर्द दे सकती है, इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, कुछ मछलियों का 10 सेंटीमीटर या उससे कम का होना। इस मछली के इतने छोटे होने के बावजूद ये मानव पक्षी है, अब ये कैसे संभव है भला? दरअसल किसी इंसान के नदी में पेशाब करते वक्त उसके मूत्र मार्ग तक ये चली जा सकती है और अंदर से खून के जरिए इंसानी शरीर पर अटैक कर सकती है। ऐसे बहुत केसे सामने आए हैं और अंजाम लकवा या फिर मौत। अब ये कैसे मूत्र मार्ग से चली जा सकती है? तो इसका जवाब है मछली की स्पीड, जो ऊपर की ओर जाते वक्त सबसे ज्यादा है और यही किसी इंसान की मौत का कारण बन सकती है। इसे लिटिल वैम्पायर फिश भी कहा जाता है। नंबर 2, बुल शार्क। अब नॉर्मली ये जीव समंदर में पाए जाते हैं लेकिन इस जीव का अमेज़न नदी में पाए जाना इसे और खतरनाक बनाता है। खतरनाक इसलिए भी क्योंकि कोई इंसान इस नदी में हो और कब उस पर ये अटैक करे ये आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि शिकार के वक्त ये जरा सा भी आवाज नहीं करती और ऊपर से इसकी लाजवाब स्पीड। यहाँ इसकी लंबाई 3.3 मीटर तक और 300 किलो तक का इसका वजन हो सकता है। शेर से 2 गुना इसका जबड़ा किसी को खत्म करने के लिए काफी है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक ईल। 2.5 मीटर तक की इसकी लंबाई हो सकती है। कैटफिश परिवार से ये बिलोंग करते हैं। 20 किलो तक का इसका वजन हो सकता है। अब नाम से जाहिर होता है कि ये मछली झटके देने में माहिर है और वो भी करंट का 7 से लेकर 600 वोल्ट तक का झटका। आप इस अमेज़न नदी में हो और कब आपको करंट का झटका लगे और ये झटका इतना तक हो सकता है कि किसी इंसान के हार्ट फेल करवा सकता है और अंजाम मौत। मछली की खूबी यह है कि करंट से इसे खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरों को झटके देने के लिए ये मशहूर है मछली। इसकी तेज तर्रार रफ्तार और किसी को भी शॉक ट्रीटमेंट इसका देना, इसलिए मछली डेंजरस है। नंबर 4, द ग्रीन एनाकोंडा। अमेज़न नदी है और एनाकोंडा का नाम ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन जितना ये ग्रीन एनाकोंडा है उतना ये इंसानों को लाल करने के लिए मतलब मौत देने के लिए काफी है। लंबाई करीबन 9 मीटर और 250 किलो से ज्यादा तक का वजन किसी इंसान को कब जकड़ ले पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो घना जंगल और नदी में कभी आसानी से ये नजर तक नहीं आता और एक बार अगर किसी को जकड़ ले तो फिर अंजाम डेथ। फिल्मों में जिस तरह में एनाकोंडास दिखाए गए हैं शायद इतने विशाल भी हो सकते हैं, क्योंकि घने जंगल और इस नदी में ना जाने इसके कौन से राज दफन है कहा नहीं जा सकता। नंबर 5, लाल पेट वाली पिराना। पिराना को हॉलीवुड फिल्मों में जिस तरह खतरनाक दिखाया गया है उससे कई ज्यादा खतरनाक ये हो सकती है। अमेज़न नदी के आतंक का दूसरा नाम पिराना। करीब 12 इंच तक ये पिराना ग्रुप में रहना पसंद करती है और तब तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि एक पिराने की बात करें तो दांत इसके मजबूत इतने कि किसी इंसान की हड्डियां और मांस तक तोड़ सकती है। अब सोचिए कि कोई इंसान इस नदी में हो और पिराना का ग्रुप अटैक करे तो, और कहा जाता है कि पिराना को इंसान का खून और मांस दोनों पसंद है। नंबर 6, पायरा द वैम्पायर फिश। वैम्पायर के बारे में तो आपने सुना होगा, वैम्पायर के दांत जिस तरह से दिखाए जाते हैं ठीक उसी तरह ये मछली भी दिखाई देती है। 1.2 मीटर तक की इसकी लंबाई। ये मछली अपने शिकार को चबाने का हुनर रखती है और इंसान भी नहीं बच सकता इससे। पिराना की ये दुश्मन मछली मानी जाती है और ये पिराना जितनी इंसानों के लिए खतरनाक है, क्योंकि इंसानी खून और मांस इसे बेहद पसंद है और इनके इस जबड़े और दांत किसी के भी होश उड़ा दे सकती है। नंबर 7, अरपाइमा। वजन से दमदार करीब 200 किलो तक की ये मछली और 10 फीट तक ये लंबी हो सकती है। किसी समंदर जीव की तरह विशाल ये मछली मांसाहारी होती है। इतना ही नहीं इसकी जीभ पर भी दांत का होना इसे और खूंखार बनाता है। अमेज़न नदी की सबसे ताकतवर मछली मानी जाती है और इसका दूसरा नाम पाइचे है। विशाल का इस मछली के कारण अमेज़न नदी और डरावनी हो जाती है। किसी इंसान को गेंद की तरह ये मछली उछाल सकती है और इसलिए ये सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। नंबर 8, ब्लैक कैमन। नदी है और वो भी डेंजरस, और इसमें कोई मगर जाति ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता।
अमेजन नदी का राजा ये ब्लैक कैमन करीब 20 फीट तक लंबा हो सकता है और इसलिए ये और ज्यादा खतरनाक है। शिकार करने में माहिर ये ब्लैक कैमन इंसानों की हड्डियां तोड़ने की काबिलियत रखता है। और क्या पता इंसान नदी में हो और अचानक जोरदार हमला ये ब्लैक कैमन करे, कुछ कहा नहीं जा सकता। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नदी के ज्यादातर हिस्सों में ब्लैक कैमन फैले हुए हैं और इससे बचना बेहद जरूरी है। और ब्लैक कैमन के सामने पिराना जैसे सब मच्छर है। नंबर 9, द पिकू फिश। पिकू को पिराना का सबसे बड़ा भाई माना जाता है। यूं तो पिकू के दांत मानव जैसे हैं, लेकिन इसे देखने पर आपको गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि इंसानों जैसे दांत होने के बावजूद ये पिराना की तरह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमला कर सकती है और सर्वभक्षी तो है ये, और अगर इसे छेड़े तो इंसानों का भी अंजाम भयानक हो सकता है। नंबर 10, द जायंट ओटर। नाम से जाहिर है कि ये विशालकाय हो सकते हैं और ये नेवला है, लेकिन सबसे बड़ा नेवला जिसकी हाइट 5.5 फीट तक हो सकती है और वजन 24 किलो तक, ऐसे में जाहिर है कि इन्हें भी कम नहीं आका जा सकता। इस अमेजन नदी में ना जाने और कैसे कैसे जीव है और कैसे कैसे राज दफन है, क्योंकि इतनी बड़ी नदी है, कुछ भी हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।